हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई किंग एंड के पिजन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे, अच्छे से होंगे। तो गाइस, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो जो है आज बना रहा हूँ। और अभी कबूतर शबूतर बेसिकली ये देख लें मेरे पीछे ही हैं सारे, और परिंदे वगैरह हो चुके हैं सारे कबूतर जो हैं। तो खैर, काफ़ी दिनों से कोई वीडियोज़ नहीं बनाई आप लोगों के लिए, अच्छी वीडियोज़ जिसको कह सकते हैं शौक से रिलेटेड ज़्यादा जो होनी चाहिए। तो जल्दी ही आपसे शौक भी शेयर करेंगे, और आगे वीडियो जो है पूरा वॉच करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैं इस वीडियो में एक दो बात कहना चाहता हूँ, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, हम जो हैं जितने भी जो लोग हैं ये शौकीन हैं या शौक करते हैं कबूतरों का, बेसिकली जिनको हम कह सकते हैं एग्जैक्ट पिजन लवर्स जो हैं बेसिकली, या फिर कबूतर परवर जिसको हम कहते हैं, कबूतर बाज नहीं कबूतर परवर, जो इस परिंदे से सच्ची में प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, मैं उन लोगों के लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ। और स्पेशली उन लोगों के लिए भी जो कबूतरों को खाली सिर्फ कबूतर तक ही समझते हैं, परिंदा ही समझते हैं, इसके इसको बेसिकली प्रॉपर वे में इसको एक इसके अंदर इसको जानदार चीज़ नहीं मानते हैं। वो जो मन में आया वो इनको दे दिया या खिला दिया या कुछ ऐसा। देखिए, कबूतर एक ऐसा परिंदा है, इसको समझना पड़ता है, इससे प्यार करना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है, कबूतर के साथ कबूतर बनना पड़ता है, तब जाके इस कबूतर की, इस परिंदे की आपको समझ आएगी या आप इस परिंदे को समझ पाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं है कि आप दो दिन में या चार दिन में कबूतरबाजी सीख लेंगे। मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बोल चुका हूँ, और अब गर्मियों का शौक है तो चंद दिनों का ये शौक होता है हमारा, मतलब अगर मैं कहूँ तो पूरा साल होता है। साल में खींच के बड़ी मुश्किल से हमें दो महीने डेढ़ महीना ये टाइम मिलता है जो कबूतर उड़ाने वाले जो शौकीन है बेसिकली, जो गर्मी में कबूतरबाजी करते हैं, तो डेढ़ दो महीना बेसिकली इनको हमने उड़ाना होता है। और उसमें भी मैं बहुत सारी वीडियोज़ वॉच करता हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ तूतू मैमें या बाजियाँ या टूर्नामेंट्स में जो भी है। कल मैं एक वीडियो वॉच कर रहा था, वहाँ पे टूर्नामेंट की प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और आपस में लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं नेगेटिवली दिखाई जाती हैं, और ऐसी चीज़ों को बेसिकली यूट्यूब पर शो भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं जो व्यूज़ के खातिर ऐसी चीज़ें भी अपलोड कर देते हैं। मेरा पर्सनल ये मानना है कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी अपलोड नहीं करनी चाहिए। तो चले, ये हर इंसान की अपनी सोच होती है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन सब बातों से हमें दूर रहना चाहिए, और प्यार मोहब्बत से ये जो आपके कंपटीशंस हैं या टूर्नामेंट्स हैं आपको उड़ानी चाहिए, और बिल्कुल भी किसी को गलत ना कहें और ना किसी के लिए गलत सोचें। तो प्यार मोहब्बत से ही शो करें। वीडियो आगे पूरा वॉच करिएगा, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं व्यू और कबूतरों के बारे में बात करते हैं। कबूतरबाजी गर्मी में अब करेंगे हम जल्दी। देखें ज़रा, कबूतर शबूतर खोले हुए हैं, खोले क्या बेसिकली अभी केज में ही हैं, और पाइपुटाई वगैरह इनकी की हुई थी। और मुझे लगता है ये भाई साहब ने कबूतर जो है बाहर ही छोड़ा हुआ, जो केज के ऊपर बैठा हुआ है, बोल भी रहा है। अब देखते हैं, आते हैं तो फिर उनसे पूछूँगा मैं। तो दूसरा कबूतर है ये गोल्डन सा, तो अब कबूतर शबूतर जो तैयार हो रहे हैं तकरीबन हो चुके हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में, मौसम बहुत ठंड अजीब सा ही जा रहा है आजकल इन दिनों में बेसिकली ना, बहुत अजीब सा मौसम हो गया हुआ है। और पिछले दिनों में एक दो कबूतर जो मेरे वापस भी आए, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। और कहते हैं ना, जो नस्ल होती है वो चाहे आप जहाँ मर्जी कोई उसको काट के रख ले या जितनी मर्जी देर बाद उसको पर दे, तो जो नस्ल होती है गलती से बैठ तो जाती है। मैं ये नहीं कहता कबूतर ज़ाया नहीं होते हैं, जाते नहीं हैं, तो कबूतर ज़ाया भी होते हैं, नस्ल भी ज़ाया होती है, नो डाउट। बट कभी कभी कबूतर जो होता है मजबूरी की वजह से वो ज़ाया हो जाता है, और वो कबूतर जो होता है कहीं ना कहीं बैठ जाता है, आसरा कर लेता है। वैसा ही मेरा एक पट्ठा ज़ाया हुआ था, पट्ठा क्या बच्चा था वो, मैंने उसकी वीडियो भी बना के डाली हुई है। अब वो वापस आ चुका है, इसका मैं आपको किसी दिन शो करवाऊंगा। और काफ़ी सारे कबूतर जो हैं अभी परपुटाई उनकी की थी, तो अभी खैर खोले नहीं है बाहर, अभी खोलने के दिन नहीं है, अभी उनके गुल्ले हैं बेसिकली ना, टप्पे टप्पे पे ही हैं, अभी ज़्यादा बड़े पर नहीं है।
मौसम जो है, मौसम भी ऐसा ही है और ऊपर से शोर शराबा ही आ रहा है। तो चलें, मैं अब थोड़ी देर बाद मैं मिलूँगा आपसे और बताऊँगा, आपसे शेयर करूँगा कुछ कि कबूतरबाजी किस तरह से होती है और किस तरह से की जाती है। और ये छत पे जो है कबूतर, मेरे को लगता है बाहर रह गया हुआ है उनसे, और मैं भी कॉल करके पूछता हूँ उनसे, बड़ा कबूतर जो है बाहर छोड़ा हुआ है क्या। तो ले जी, अब मैं आ गया हूँ नीचे। नीचे आके मैं बेसिकली वीडियो बना रहा हूँ, मैं लेट हो रहा था और मैं जाने वाला था। भाई साहब को मैंने कॉल किया है और उनसे पूछा मैंने, कह रहे थे सुबह मैंने दाना डालते टाइम खोला था तो एक बाहर निकल गया था, तो नए परों पे ये तो ये अपना ही है बेसिकली। तो चले, मैं करता हूँ इस वीडियो को वाइंड अप। बाकी मैंने जो मैसेज दिया इस वीडियो में आपको कि जो परिंदे हैं बेसिकली इनको प्यार करना चाहिए, और ये परिंदा खासकर जो कबूतर है बेसिकली बिल्कुल मासूम सा प्यारा सा परिंदा है, और इससे हमें प्यार या लगाव जो है उतना ही करना चाहिए जितना हम इंसानों से या अपनी फैमिली से करते हैं। तो खैर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन बस इतना ही कहूँगा शौकीनों से कि भाई शौक जो है प्यार से करें और मिल बैठ के करें, एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस ना बनाएं, और वीडियोस जो होती हैं एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। चलें जी, मैं वीडियो वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।